तो हेलो गाइस, मैं रोशन कुमार आज आप लोग के लाया हूँ दो काफ़ी ज़्यादा फेमस नेक बैंड्स के बीच कंपेरिजन गाइस। ये वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 और ये रियलमी बड्स वायरलेस 3। ये थोड़ा पुराना है बट काफ़ी ज़्यादा चला है गाइस, काफ़ी अच्छे इसके रेटिंग्स और सेल्स हैं अमेजोन पे। और ये जो है हाल में लॉन्च हुआ है 1-2 महीने पहले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या जो है रियलमी बड्स वायरलेस 3 वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z2 को जो है रिप्लेस कर पाता है या फिर नहीं। तो लेट्स डू द कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस टू मॉन्स्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग जो है बॉक्स कंटेंट देखेंगे इस। तो हम लोग इसे ओपन करते हैं, आपको इसमें दिख जाएगा जो है हमारा नेक बैंड। इसे हम लोग निकाल लेते हैं। मैं पहले ही तो इसे यूज कर चुका हूँ गाइस, 1-2 महीने से यूज कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि इसका डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग का वीडियो जो है हमारे चैनल पर पहले ही डल चुका है, बट आज जो हम लोग दोनों के बीच कंपेरिजन वाला वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा रियलमी वायरलेस 3 के साथ सिर्फ जो है ये नेकबैंड आता है, इसके साथ कोई केबल वगैरह नहीं आएगा गाइस। और जो है आता है तो इसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कि सारे चीज़ के साथ डॉक्यूमेंट्स आते ही हैं, काफ़ी लंबा सा है। और इसके साथ आता है 4 एक्स्ट्रा ईयर कप्स जो कि अलग अलग साइज़ के हैं। इसमें मीडियम लगा हुआ है, इसमें स्मॉल और लार्ज साइज़ के हैं। तो चलिए हम लोग जो वन प्लस को ओपन कर लेते हैं गाइस। तो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हो सकता है, इसे ओपन करते हैं, आपको दिख जाएगा ये हमारा जो नेक बैंड। इसे निकाल लेते हैं और इसके साथ में आता है गाइस कुछ और भी चीज़, ये वन प्लस का कार्ड और ये 4 एक्स्ट्रा ईयर कप्स। और इसमें जो है आता है चार्जिंग केबल गाइस साथ में, जो कि रियलमी में आपको चार्जिंग केबल देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ मैनुअल्स वगैरह आते हैं, ये भी काफ़ी लंबा है, उससे भी ज़्यादा लंबा है। तो अब जो हम लोग इन दोनों नेक बैंड्स का जो है लुक्स एंड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लुक वाइज देखेगा तो दोनों सिमिलर ही दिखते हैं, काफ़ी जो है सिमिलर सा डिज़ाइन है, बस जो है दोनों में जो है ये इस पोर्शन का जो है डिफरेंस है, बाकी सारा चीज़ सिमिलर है और कलर जो है डिफरेंस है दोनों में। Z2 जो है मैट फिनिश के साथ आता है, वहीं पे वायरलेस 3 जो है शाइनी और स्मूथ सरफेस के साथ आता है। दोनों का नेक सपोर्ट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, हालांकि ये थोड़ा सा पतला है इसके केबल्स और जो नेक सपोर्ट्स, और इसका जो है थोड़ा सा जो मोटा है केबल भी और ये नेक सपोर्ट भी। बाकी जो दोनों का क्वालिटी काफ़ी सही है गाइस, ये थोड़ा सा लाइट वेट लगता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा वेट इसके मुकाबले इसका है। अगर पहनने का कंफर्ट के बारे में बात करें तो ये जो लाइट वेट होने के कारण मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि मुझे लाइट वेट गैजेट्स ज़्यादा पसंद है। चलिए कुछ हम लोग स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा बुलेट Z2 जो है 12.4 mm ट्राइबर के साथ आता है, साथ ही साथ इसे जो आप 10 मिनट चार्ज कीजिएगा तो 20 आवर्स तक गाने सुन सकते हैं। फुल्ली बैटरी बैकअप की बात करें तो इसका जो है 28 आवर्स का बैटरी बैकअप है गाइस। इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है, जो कि 45 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इसमें है। साथ ही साथ आपको जो है इसमें 3 माइक्स मिल जाते हैं, एक जो यहाँ पे लगा हुआ है और दोनों एक एक इसमें लगे हुए हैं, ताकि जो है कॉलिंग के दौरान जो है आपका वॉइस सामने वाले को अच्छा क्रिस्प एंड क्लियर जाए, इधर उधर का नॉइज जो है ना जाए, वो आपके आवाज़ को अच्छे से सुन पाए, तब तो आपका आवाज़ का फील ले पाएगा। ये जो है IP55 की रेटिंग के साथ आती है, जो कि इसे डस्ट एंड जो है पसीना वगैरह से बचाती है खराब होने से। यहीं पे अगर हम लोग रियलमी बड्स वायरलेस 3 के फीचर्स की बात करें तो इसमें भर भर के लेटेस्ट फीचर दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इसके ड्राइवर का साइज जो है 13.6 mm का है, जो कि इससे ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है गाइस। वहीं पे इसे आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज कीजिएगा तो आप जो है 25 आवर्स तक गाने सुन सकते हैं। टोटल बैटरी बैकअप की बात करें तो ये जो एक बार फुली चार्ज होने पे 40 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है, मतलब बार बार चार्ज करने का झंझट नहीं। हालांकि 10 मिनट में भी चार्ज होकर बहुत ज़्यादा देर तक चलती है गाइस। ये भी जो है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है, जो कि 30 dB के इसके साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आती है, जो कि इससे थोड़ी कम है, बट इसमें जो एक बोनस फीचर है गाइस वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये कि आप स्विच कर पाइएगा नॉइज कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच। अगर आप इसके ट्रांसपेरेंसी मोड को यूज करते हैं तो बाहर के सारे साउंड्स जो है आपको सुनाई देंगे गाइस, और नॉइज कैंसिलेशन में तो मालूम ही है कि बाहर के कुछ भी आवाज़ आपको नहीं आएगा। 30 dB तक ये कैंसिल कर पाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी नोटिसेबल है, आप इजीली नोटिस कर पाइएगा। इसके साथ साथ आपको जो है इसमें 360° स्पेक्टिकल ऑडियो का जो इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब आप इसे जो है लगाकर मूवी वगैरह देखिएगा तो आपको जो है साउंड कुछ लगेगा कि चारों तरफ से आ रहा है, मतलब साथ ही साथ ये जो है गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ आता है, मतलब नए डिवाइस में जो है इसे कनेक्ट करना काफ़ी ईजी है अगर आपके दोनों डिवाइस में सेम ही जीमेल अकाउंट है तो।
ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो जो 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो कि काफ़ी सिमलेसली आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो पाता है और काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी रहता है इस दोनों का। वहीं पे ये जो है गेमिंग मोड के साथ भी आता है। गेमिंग मोड में आप जैसे ही स्विच कीजिएगा तो आपको जो 45 ms के अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो विजुअल और ऑडियो के बीच जो काफ़ी कम डिफरेंस रहेगा, तो गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें एक और एक्स्ट्रा बोनस फीचर मिलता है जो कि एक बार में दो डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे, मतलब फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर लिया और कंप्यूटर के साथ भी। जिसमें भी ऑडियो बजेगा गाइस उसका ऑडियो उसमें सुनाई देगा आपको, बार बार जो डिसकनेक्ट करके उसमें कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ये जो एक बार में दो डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है। वहीं ये जो है एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट हो पाता है गाइस। आईपी रेटिंग की बात करें तो सेम जो है ये भी जो है IP55 रेटिंग के साथ आता है, जो कि आपको ये पसीना और जो है धूल वगैरह सब बचाता है। आप जो है इसे रियलमी लिंक ऐप के थ्रू भी जो है कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको इस ऐप के अंदर भर भर के जो है कस्टमाइजेशन दिख जाएगा, जैसे कि आप नॉइज कैंसिलेशन वगैरह के बीच में स्विच कर सकते हैं और भी जो है साउंड को अपने अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स और लुक्स का तो हम लोग बात कर लिए, चलिए हम लोग जो मेन चीज़ साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी बैलेंस साउंड और काफ़ी मतलब क्लियर एंड क्रिस्प साउंड है गाइस। बुलेट्स Z2 ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस था गाइस, 2000 तक के जितने भी नेकबैंड आते थे उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड था साउंड क्वालिटी को लेकर गाइस। तो ये काफ़ी अच्छा साउंड देता है गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका साउंड खराब है गाइस, इसका भी साउंड जो है काफ़ी अच्छा है, सेम आइडेंटिकल इसी की तरह है। हालांकि ये थोड़ा सा लाउड है, ये जो है लिटिल बिट बहुत ही हल्का सा जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, थोड़ा सा बैलेंस साउंड इसका लगता है। हालांकि इसका भी साउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिमिलर है गाइस, और आप जो है इसके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं ऐप के थ्रू, तो ये भी काफ़ी बेटर है। बट ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो ये जो है बेस्ट जो है नेकबैंड अभी फ़िलहाल के लिए है, 1700 के आसपास ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको 1500 से 2000 के बीच आपको देखने को मिल सकता है, ये वेरी करते रहता है इसका प्राइस गाइस। अगर पर्सनली मुझे इन दोनों के बीच चूज करने के लिए बोला जाएगा तो डेफिनेटली मैं अभी फ़िलहाल जो ऐसे ही चूज करूँगा रियलमी का, क्योंकि ये लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अमेजिंग तो मुझे ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉइज कैंसिलेशन मोड लगा इसका, और इसे आप जो ऐप के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, एक बार में दो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ नहीं आता है, नॉर्मल जो है नेकबैंड की तरह ही है गाइस। इसके साथ जो है कोई ऐप भी नहीं आता है जिसके थ्रू आप इसे कनेक्ट या फिर ऑपरेट कर सकें, तो ये जो नॉर्मल नेकबैंड की तरह ही है गाइस, बट विथ वेरी गुड साउंड क्वालिटी। तो अगर आप इन दोनों में से किसी को भी बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे वहाँ से देखें और बाय करें। तो अगर आप इसका और भी ज़्यादा डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के ऑलरेडी जो पब्लिश कर दिया यूट्यूब पे, तो आप चाहे वहाँ से देखें, इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करें वहाँ से गाइस। काफ़ी अच्छा नेकबैंड है अभी तक में 2000 के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर देना गाइस प्लीज़, जल्दी हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल बनाएं गाइस, ताकि हमारा फैमिली 1K तक पहुंच सके। जो भी बंदा जो है 2000 के अंदर में नेकबैंड ढूंढ रहा है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, हो सकता है उसके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।